ब्रेक के बाद विजय हिंदुस्तान पर जारी है मेरा राज्य मेरा देश। इस वक्त एक सवाल उठ रहा है कि क्या असम अलकायदा के टारगेट पर आ चुका है? क्या असम में अलकायदा से जुड़े आतंकी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं? असम सरकार ने साफ कर दिया है, जो मदरसे और मौलवी अलकायदा से जुड़े हुए हैं उन्हें चुन चुन कर साफ कर दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। दो व्यक्ति को अरेस्ट किया हूं। असम में अलकायदा साजिश, मदरसा मौलवी का आतंकी कनेक्शन। मदरसे पर चला बुलडोजर, मौलाना अजमल का मातम। असम में आतंकी मॉड्यूल, मार दो गोली, मौलाना की मांग। असम कुछ सालों से बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। अब असम में अलकायदा से जुड़े मॉड्यूल के बारे में पता चला है, जिसके तार बांग्लादेशी आतंकियों से जुड़े मिले हैं। 43 साल के अब्दुस सुभान और 49 साल के जलालुद्दीन शेख को देख लीजिए, दोनों ही अलकायदा से जुड़े आतंकी बताए जा रहे हैं। असम में अलकायदा से जुड़ा आतंकी मुस्तफा ने मदरसों का ऐसा जाल बना रखा था, जहां से वो भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की तैयारी में था। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ जिहादी प्रदर्शन कर रहे हैं, उस तरह से बांग्लादेशी आतंकी और जिहादी असम में अलकायदा के मॉड्यूल के जरिए जिहादी अड्डा बनाने में जुटे हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने इन इस्लामिक जिहादियों और आतंकियों की कमर तोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन अब असम के गोलपारा जिले में दो इमाम गिरफ्तार हुए, दोनों के अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप यानी AQIS और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी APT से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। दोनों असम में अलग अलग आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा भी थे, जिनका पिछले महीने भंडाफोड़ हुआ था। पुलिस ने बताया कि दोनों के पिछले 10 सालों से गैंग के सदस्यों के साथ कनेक्शन थे। अब असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर सख्त कदम उठाए। लेकिन अभी हमने कुछ SOP बनाए हो कि कोई अगर आपका गांव में इमाम आते हैं और आप उनको नहीं जानते हैं, तो थाना को इन्फॉर्म कीजिए, थाना वेरीफाई कर लेगा, उसका बाद इसको रखिए। तो इस काम में हमारा असम का मुसलमान समाज हमको हेल्प कर रहा है, और हम एक अभी पोर्टल भी बना रहा हूँ इमाम और मद्रासा में जो जनाब तीसर लोग आ रहा है बाहर से, जो असम का नहीं है उनको अपना नाम पोर्टल में रजिस्टर करना। इससे पहले हिमंता सरकार ने आतंकी मुस्तफा के मदरसे को बुलडोजर से गिराने के बाद पूरे असम में हड़कंप मच गया था। इस बीच CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले ही कह दिया कि हम राज्य में 800 सरकारी मदरसों को पहले ही बंद कर चुके हैं। असम इस्लामी कट्टरपंथियों का अड्डा बनता जा रहा है, तो इसीलिए मदरसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2-3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए। लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। असम सरकार अब तक 800 सरकारी मदरसे बंद कर चुकी है। अलकायदा मॉड्यूल के सरगना मुफ्ती मुस्तफा के सहरिया गांव स्थित अवैध मदरसे पर अब बुलडोजर चल चुकी है। अब दो और मदरसे से जुड़े आतंकी पकड़े गए हैं। देखना होगा कि आगे क्या बड़ी कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ असम सरकार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।